अस्सलाम वालेकुम। सैर व सियाहत के इस एपिसोड में हमारे तमाम नाज़रीन का मैं सनम इस्तकबाल करती हूँ। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए सफ़र की ओर। हमारे इस सफ़र की मंजिल है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरजमीन में कुदरत के बनाए बेहतरीन इलाके हैं, फिर चाहे वो पुणे हो, औरंगाबाद हो, महाबलेश्वर हो या फिर मुंबई। हजारों सालों से इन शहरों की अपनी एक तहजीब रही है और इस तहजीब को बनाने में फनकारों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन फनकारों ने महाराष्ट्र की पहाड़ियों और शहरों में इतनी खूबसूरत जगहों को तामीर किया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये है कार्ला केव्स। कार्ला की गुफाएं उन अनाम फनकारों की देन हैं जिनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती, लेकिन उनकी बनाई ये गुफाएं आज भी हमें बीते दिनों की याद दिला देती हैं। कार्ला गुफाएं मुंबई से 114 किलोमीटर के फासले पर मगरबी घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पहुँचने के लिए कई जरिए हैं। पुणे यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा है और रेलवे स्टेशन मालवई है। मुंबई और पुणे से यहाँ बस के जरिए भी आया जा सकता है। ये गुफाएं करीब 2000 साल पुरानी हैं और हमें इंसान के उस जज्बे के बारे में बताती हैं जो उसे जिंदा रहने के लिए रवानी देता है। कार्ला गुफाएं एक दो नहीं बल्कि बड़ी तादाद में पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं। इनकी खासियत ये है कि इनमें बड़े बड़े हॉल मिलते हैं जिनके पत्थरों पर कारीगरी के कमाल के नमूने हैं। संतराशी की ऐसी आला कारीगरी बहुत कम दिखाई देती है। सालों पहले बौद्ध भिक्षुओं ने पहाड़ों को काट काट कर ये गुफाएं बनाई थी। इन गुफाओं में बौद्ध मजहब के मानने वाले भिक्षु रहा करते थे और इबादत में डूबे बुद्ध की जिंदगी और उनके फलसफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते थे। कार्ला केव्स में एक गुफा के मेन दरवाजे पर संग तराशी के आला कारीगरी के नमूने हैं। लकड़ी के बने इस दरवाजे पर मर्द और औरत की मूर्तियां बनी हुई हैं, जो बेहद खूबसूरत हैं और उस दौर की शानदार फनकारी का नमूना है। बौद्ध भिक्षुओं की तहजीब की ये अमानत आज भी यहाँ कायम है। सालों से ये कार्ला केव्स सयाहों को अपनी तरफ खींचती रही हैं। भीड़भाड़ ज्यादा ना होने की वजह से यहाँ एक सुकून मिलता है और सयाह तारीख के पुराने पन्नों में खो जाते हैं। महाराष्ट्र में भाजा की गुफाओं को भी वही अहमियत और शोहरत हासिल है जैसे कि दूसरी गुफाओं को, यानी कि अजंता और एलोरा केव्स को। भाजा केव्स महाराष्ट्र रियासत के लोनावला से 12 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा पुणे है। लोनावला से यहाँ बस के जरिए आसानी से आया जा सकता है। दरअसल भाजा एक छोटा सा गांव है जहां बड़ी तादाद में गुफाएं मिली हैं। तारीख में भाजा केव्स के बारे में ये माना जाता है कि ये गुफाएं मौर्य के दौरे हुकूमत में बनवाई गई थी, जो कि बौद्ध मजहब के मानने वाले थे।
भाजा में गुफाओं की तादाद 18 है। हर गुफा अपना एक खास मकाम रखती है। किसी जमाने में बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी और पत्थरों को तराश कर इन गुफाओं को मठों के तौर पर अपनी रिहाइश बना लिया था। जिस दौर में ये गुफाएं बनी, उस दौर में मुल्क भर में बौद्ध मजहब को मानने वालों की तादाद काफी थी। भाजा केव्स को अगर देखा जाए तो बौद्ध भिक्षुओं ने पत्थर को तराश कर बुद्ध की जिंदगी से जुड़ी अलग अलग कहानियों को इन गुफाओं में तराशा है। बुद्ध की जिंदगी से जुड़ी कई कहानियों के नक्शे को आप इन गुफाओं में देख सकते हैं। बारह नंबर की इस गुफा को माना जाता है कि ये इबादत की एक अहम जगह थी। इस गुफा को पुराने संगतराशी के फन का एक नादिर नमूना माना जा सकता है। भाजा में मिलने वाली गुफाओं में ये सबसे बड़ी गुफा है। इस गुफा में डांस करते हुए जोड़ों की नक्काशी की गई है। अगर गौर से इन जोड़ों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये जोड़े आज भी जिंदा हैं और आने वालों का इस्तकबाल कर रहे हैं। भाजा केव्स में कई विहार भी हैं, जो उस दौर में इल्म हासिल करने आने वाले बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने की जगह थी। मुल्क भर से बौद्ध भिक्षु इन गुफाओं में आते रहे और अपने अपने दौर में यहाँ इबादत करके इल्म हासिल करते रहे। वैसे देखा जाए तो यहाँ की हर गुफा अहम है, जिन्हें देखकर साफ पता लगता है कि ये गुफाएं एक ही ख्याल को मानने वाले लोगों ने बनवाई थी। भाजा केव्स के बेहद करीब मौजूद ये वॉटरफॉल निहायत ही दिलफरेब मंजर पेश करता है। यहाँ सैलानी घंटों बैठकर कुदरत के नजारों का लुत्फ ले सकते हैं। बेरसे केव्स गुफाओं के सिलसिले में एक बेहतरीन जगह है। यहाँ संग तराशी के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। यहाँ छोटी बड़ी दोनों तरह की गुफाएं मिलती हैं। इसकी संग तराशी में बुद्ध की जिंदगी से जुड़े किस्से छिपे हैं। बुद्ध के जमाने में इन गुफाओं में मुल्क भर से बौद्ध भिक्षु रूहानी इल्म और तालीम हासिल करने यहाँ आते रहे, जिनकी दास्तान ये गुफाएं सुनाती हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने बारिश और तूफान से बचने के लिए पहाड़ को काटकर इन गुफाओं को बनाया है। अगर सयाह गौर करें तो उस दौर की तहजीब और जिंदगी को जीने का सलीका इन गुफाओं में महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने मुख्तलिफ गुफाओं का दीदार किया और हिंदुस्तान के फनकारों के हजारों साल पुराने शाहकार को देखा। पत्थर पर संगतराशी के फन की इससे बेहतर मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। ये गुफाएं दुनिया की वाहिद विरासत में पाई गई नायाब अमानत हैं। मैं जानती हूँ कि यहाँ की उम्दा फनकारी से मुतासिर आप लोग यहाँ और रुकना चाह रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए अब हम आपको इससे भी हैरतअंगेज और नादिर गुफाएं दिखाने के लिए ले चलते हैं, जहां पत्थर पर तराश कर बनाए गए मजस्मे बोलते हैं और बयां करते हैं अपने वक्त की दास्तान। यहां फनकारों ने अपनी फनकारी सलाहियत का आखिरी तसव्वुर भी लगा डाला है। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको कहां ले जा रहे हैं। तो चलते हैं अजंता केव्स की सैरो सियाहत पर।
अजंता केव्स घने जंगलों से घिरी हुई हैं। घोड़े की नाल की तरह घूमी हुई घाटी में ये गुफाएं अजंता गांव से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर वाकई हैं। अजंता गांव महाराष्ट्र रियासत के औरंगाबाद शहर से 106 किलोमीटर के फासले पर बसा है। इसका नजदीकी कस्बा जलगांव है, जो अजंता से 60 किलोमीटर दूर है। भुसावल यहां से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अजंता घाटी के नीचे से पहाड़ी नदी वाघर बहती है। जाहिर है इसी पानी ने बौद्ध भिक्षुओं को अजंता में गुफाएं बनाने के लिए बेचैन किया होगा। अजंता में कुल मिलाकर 29 गुफाएं हैं। ये गुफाएं नदी के जुनूब में कायम हैं। अजंता गुफाओं की ऊंचाई 35 से 110 फीट तक की है। अजंता गुफाओं का एक मजमुआ है, जिसमें कई विहार हैं। अजंता की गुफाओं की खोज हिंदुस्तानी संगतराशी का एक बेमिसाल नमूना है। इन गुफाओं में कई बड़े बड़े हॉल मिलते हैं। इसकी वजह शायद मजहबी मजलिसें रही होंगी। इनकी शक्ल और बनावट मुख्तलिफ है। कई मामूली हैं तो कई नक्काशी से खूबसूरत और दिलकश बनाए गए हैं। कुछ के दरवाजों पर छज्जे बने हैं तो कुछ बगैर छज्जों के हैं। इनमें से कुछ गुफाओं में एक हुजरा भी है, जिसमें बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। गुफाओं की दीवारों और पत्थरों पर तस्वीरें भी बनी हैं, जो उस जमाने की नायाब पेंटिंग्स हैं। गुफा नंबर 1 में काफी तफसील से नक्काशी की गई है, जिनमें कई बेहद उभरी हुई हैं। यहाँ बुद्ध की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले कई अहम पहलू नक्श हैं। साथ ही संगतराशी के कई नमूने भी हैं। इसका दो पायों वाला दरवाजे का छज्जा 19वीं सदी तक कायम था, जो अब नहीं है। इस गुफा के आगे एक खुली जगह थी, जिसके दोनों तरफ पिलर्सदार गैलरियां थीं। गुफा नंबर 1 के दरवाजे के पोर्टिको के दोनों तरफ कोठियां हैं, जहां 3 दरवाजे हैं। इन दरवाजों के बीच के हिस्से में 2 चौकोर खिड़कियां तराशी हुई हैं, जिनसे होकर रोशनी अंदर आती है। इस गुफा के हॉल की हर एक दीवार 40 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची है। इसके अंदरूनी हिस्से में 12 पिलर्स हैं, जो छत को सहारा देते हैं। साथ ही दीवारों के साथ साथ एक गलियारा सा बनाते हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुजस्समा तराशा गया है, जिसमें बुद्ध को एक खास अंदाज में बैठे हुए दिखाया गया है। पीछे की बाई और दाई दीवार में 4-4 कमरे बने हैं। ये दीवारें मुसव्विरी से भरी हैं। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी ये अच्छी हालत में मौजूद हैं। इन तस्वीरों में ज्यादातर दर्श देते हुए मजहबी ख्यालात का इजहार है। तस्वीरों का ताल्लुक बुद्ध की जिंदगी से है। गुफा नंबर 1 से लगी हुई गुफा नंबर 2 है, जिसकी दीवारों, छतों और पायों पर मुसव्विरी की हिफाजत के लिए इस्तेमाल में लाए गए रंगों की खासियत ये है कि आज भी ये महफूज हैं। इस गुफा में 2 दरवाजों पर छज्जे हैं, लेकिन ये छज्जे गुफा नंबर 1 से बहुत अलग हैं, और इनकी नक्काशी भी उनसे अलग दिखती है। इस गुफा को सहारा देने के लिए 2 मोटे पिलर्स हैं, जिन पर बेहद शानदार नक्काशी की गई है। इस गुफा की छतों और दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों में काफी तादाद उन तस्वीरों की है, जो बुद्ध की पैदाइश से जुड़ी हैं।
गुफा के हॉल में चार पिलर हैं, जो छत को सहारा देते हैं। इसकी दीवारों पर कलश नक्श किए गए हैं, जो काफी महारत से तराशे गए हैं। इसके अलावा इन दीवारों में आदमी और जानवरों को भी नक्श किया गया है। अजंता की हर एक गुफा अपनी खासियत के लिए जानी जाती है, जैसे गुफा नंबर 9, 10, 12, 13, 15 ए ऐसी गुफाएं हैं जिनकी बनावट अपने अपने वक्त के साथ बदलती चली गई, लेकिन नहीं बदला तो बुद्ध के लिए उनका अकीदा। इसलिए इन गुफाओं में भी हॉल के साथ साथ दीवारों में वो सब खूबियां नजर आती हैं जो अजंता की गुफाओं की पहचान हैं। इस तरह 16, 17, 18, 19 और 20 वगैरह गुफाओं में भी एक बात साफ नजर आती है कि बुद्ध भिक्षुओं ने इन गुफाओं को सिर्फ इल्म की जगह ही नहीं माना, बल्कि अपने दिलो दिमाग में छाए बुद्ध और उनकी जिंदगी के तसव्वुर को बड़ी खूबी से दीवारों पर नक्श कर दिया। और ये दीवारों पर ऐसी नक्श हुई कि वक्त के आंधी और तूफान भी उन्हें मिटा न सके। अजंता आने वाला हर एक सैयाह इन गुफाओं, इनके हॉल, कमरों, दरवाजों और दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को देखकर हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर कैसे इतनी शानदार गुफाओं को तामीर किया गया होगा। आज के दौर में भी अगर इन गुफाओं को बनाने के बारे में सोचा जाए तो ये शायद ही मुमकिन हो पाए, लेकिन सालों पहले इंसान ने इस नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया था। अजंता केव्स मुल्क की शान है, जो दुनिया के सामने हिंदुस्तान की तहजीब और संग तराशी के हुनर को लाती है और बताती है कि हिंदुस्तान की रिवायत इतनी अजीम और पुरानी है। तो जनाब, कहा था ना आपसे कि हम आपको जो मंजर दिखाएंगे वो आपको हैरान कर देंगे। जी हाँ, यही खूबी है अजंता की गुफाओं की, जहाँ पहुंचकर तवारीख जिंदा हो जाती है और उन फनकारों को दुआएं देती है जिनके फन की तस्वीर अजंता की गुफाएं हैं। लेकिन गुफाओं का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं और एक से बढ़कर एक गुफाएं यहाँ और भी हैं। तो आइए चले एलोरा केव्स की ओर। अजंता जाएं और एलोरा ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बगैर एलोरा के सफर के आपकी सियाहत अधूरी है। अजंता की तरह एलोरा की गुफाएं भी दुनिया भर में मशहूर हैं, और यही वजह है कि यहाँ साल भर सियाहों का काफिला आता रहता है और कुदरत की इस बेपनाह देन को देखकर हैरत में पड़ जाता है। इस गुफा की खासियत ये है कि एक पल में ही ये सफर की सारी थकान को भुलाकर आपको उस दौर में पहुंचा देता है जिस दौर में तहजीब और फनकारी अपने उरूज पर थी। एलोरा केव्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर के फासले पर हैं। एलोरा केव्स को भी अजंता केव्स की तरह दुनिया की विरासत माना गया है, और यही वजह है कि यूनेस्को ने भी इसे खास करार दिया है। एलोरा केव्स हिंदुस्तानी संगतराशी के फन का आला नमूना है, एक ऐसा नमूना जो इंसान के तसव्वुर को हकीकत में तब्दील कर देता है। एलोरा में 34 गुफाएं हैं। इन गुफाओं की खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ बौद्ध गुफाएं ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म और जैन धर्म से जुड़ी गुफाएं भी मिलती हैं।
कहा जाता है कि ये गुफाएं 5वीं और 10वीं सदी में बनाई गई थी। इनकी बनावट और अजंता केव्स की बनावट अगर काफी मिलती जुलती भी है तो कई मामलों में ये एक दूसरे से अलग भी हैं। यहाँ 12 गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं और 13 से लेकर 29 नंबर की गुफाएं हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाली गुफाएं हैं और 30 से 34 नंबर तक की 5 गुफाएं जैन धर्म की नुमाइंदगी करती हैं। हर गुफा की संग तराशी अपने आप में कमाल रखती है। इन गुफाओं को 2 अलग अलग मकाम पर बनाया गया है जो एक दूसरे से 1 किलोमीटर के फासले पर है। इसमें जुनूबी गुफाएं सबसे पुरानी हैं। इसी तरह गौतम बुद्ध का मजस्मा भी बड़ी खूबसूरती से संगतराश ने तराशा है। ये सब कुछ देखकर एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि उस दौर में अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग बड़े अकीदे के साथ मिलजुल कर जिंदगी बिता रहे थे। एलोरा केव्स की एक खास बात और भी है कि बुद्ध के जमाने में जब तांत्रिक विद्या का जोर था, उस दौर की झलक भी एलोरा केव्स में दिखाई देती है। इन गुफाओं में बुद्ध के वक्त की हर चीज में जो बदलाव आए उसका असर साफ नुमाया होता है। एक बात साफ हो जाती है कि जिस दौर में एलोरा की गुफाएं बनाई गईं, वो दौर इंसान की तरक्की का दौर रहा होगा, क्योंकि एक ही पल में ये गुफाएं उस दौर के इंसान के जीने के तरीके और इबादत की झलक से आपको रूबरू कर देती हैं। एलोरा केव्स हजारों साल से इंसान के अंदर छुपी फनकारी और महारत की मिसाल हैं, जिसकी अजमत को पूरी दुनिया के सैयाह सलाम करते हैं। औरंगाबाद का इलाका सदियों से पुरानी तहजीबों का मरकज रहा है। यहाँ 6वीं और 7वीं सदी में बनाई गई गुफाएं मिलती हैं, जो 2 हिस्सों में बटी हैं। एक हिस्से में गुफा नंबर 1 से 5 आती है तो दूसरे हिस्से में गुफा नंबर 6 से 10। लेकिन दोनों ही हिस्सों की खासियत उसके अंदर बनी मूर्तियां और विहार हैं। इनमें शानदार हॉल मिलते हैं जिनकी छत में बेहद खूबसूरत फनकारी की गई है। ये गुफाएं कभी बुद्ध भिक्षुओं की इबादतगाह रही थी और यही वजह है कि बुद्ध की जिंदगी से जुड़ी तमाम बातें यहाँ की दीवारों पर नक्श हैं। कहीं खामोश बुद्ध की मूर्ति है तो कहीं बोधिसत्व की झलक। इन गुफाओं में साल भर सैलानियों का आना लगा रहता है। पुणे का पातालेश्वर केव टेंपल 8वीं सदी में बनाया गया था। ये मंदिर रॉक कट आर्किटेक्चर का बेहद शानदार नमूना है। इसमें एक गुफा भी है जिसकी वजह से इसे केव टेंपल कहा जाता है। ये भगवान शिव का मंदिर है जिसकी तामीर एक चट्टान को काटकर की गई। फनकार ने चट्टान को काटकर इतनी खूबी से बनाया है कि आप यहाँ इबादत करने के साथ साथ फनकार को दाद देने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। तो जनाब, कैसा रहा आज का फनकारी और संग तराशी से लबरेज गुफाओं का सफर? हमने अपने वायदे के मुताबिक सैर सियाहत के इस सफर में आज आपका तारुफ महाराष्ट्र की उस अजीम विरासत से कराया जो आपके तसव्वुर से परे है।
हमें यकीन है कि आपके जहन पर अजंता एलोरा की नक्काशी अभी तक नक्श है, लिहाजा हम आपको इस तसव्वुर के साथ छोड़े जाते हैं और आपसे इजाजत लेते हैं। खुदा हाफिज़।